नमस्कार, जय जय सियाराम, जय माता दी, माँ भगवती जगत जननी आप सबको आयु आरोग्य से परिपूर्ण रखे। यह वीडियो आप सबको समर्पित है। आप सबके जो प्रश्न हैं उनके अनुरूप में ही जो है उनके उत्तर देने के लिए ही जो है यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो नवरात्रि से संबंधित प्रश्नों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें, तथा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का नवरात्रि पूजा से संबंधित कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, तथा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच जावे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। यहाँ प्रश्न है अक्षिता पाठक जी का, पूछ रही हैं, आचार्य जी, देवी जी का आवाहन कलश में करें, उनकी फ़ोटो में करें अथवा मूर्ति में करें? आवाहन मंत्र पढ़ने के बाद अक्षत अर्थात चावल कलश पर छिड़कें अथवा माँ भगवती के फोटो पर छिड़कें? तो यहाँ सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जो माँ भगवती का चित्र का स्वरूप होता है, अर्थात जो फोटो होती है, उसमें माँ भगवती का अथवा किसी भी देवी देवता का अगर फोटो है तो उसमें आवाहन नहीं होता है। वह केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए ही सहायक होती है। वहाँ आप पूजन अवश्य कर सकते हैं माँ भगवती का स्वरूप मानकर, परंतु आवाहन नहीं होता है। आवाहन होता है मूर्ति में, कलश में, नारियल में, सुपारी में अथवा अक्षत के पुंज के ऊपर। तो यहाँ अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं तो कलश में ही आपको छोड़ना चाहिए चावल। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति का भी पूजन करें और माँ भगवती का कलश के स्वरूप में भी आवाहन पूजन करें। अगला प्रश्न है वेदांश दुबे जी का, कह रहे हैं, पंडित जी आपको चरण स्पर्श, भैया भगवान आपका कल्याण करें, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, धन्यवाद आपको। आप ये बताएं कि कलश पर नारियल का मुँह कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? तो कलश में नारियल का मुँह दिशा निर्धारित नहीं की गई है कि किस दिशा में होना चाहिए, दिशाओं के लिए वर्जित किया गया है। निर्धारित यह किया गया है कि यजमान की तरफ होना चाहिए। नारियल की जो शिखा होती है, वह जो नारियल की शिखा है वह यजमान की तरफ होनी चाहिए, अर्थात जो साधक है, जो पूजा कर रहा है, उसकी तरफ वह नारियल की शिखा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कुणाल पांडे जी का, पूछ रहे हैं, आचार्य जी, क्या करमाला से निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, कृपया बतावें? जी हाँ, अवश्य कर सकते हैं, परंतु आपको करमाला का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। करमाला कैसे जपी जाती है, कहाँ से आरंभ की जाती है और कहाँ तक समाप्त की जाती है, उसमें दो प्रकार से भेद होते हैं, करमाला और शक्तिमाला। तो इस भेद का आपको भली भांति से ज्ञान होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण आपका सही होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपको इस विधि का ज्ञान है तो आप करमाला से भी अवश्य जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अतुल पांडे जी का, पूछ रहे हैं कि मूर्ति अगर पूर्व दिशा में रखी है तो यदि धूप देवता के बाईं तरफ रखी जाए, अर्थात मूर्ति के बाईं तरफ रखी जाए, तो वह दक्षिण दिशा हो जाता, क्या यह उचित है? तो आप इस विषय में निश्चिंत रहें, क्योंकि धूप के लिए दिशा का स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, धूप के लिए स्थान निर्धारित किया गया है जो देवता के बाएँ तरफ होना चाहिए। वह बायाँ तरफ जो है उत्तर में आवे, दक्षिण में आवे, पूर्व में आवे अथवा पश्चिम में आवे, इस विषय में धूप के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अगर आपके मन में संशय है इस विषय को लेकर कि दक्षिण में हो जाता है, मन में अगर थोड़ी सी कुछ दुर्भावना आ रही है इस विषय को लेकर, तो आप अग्रभाग में भी रख सकते हैं, अग्रभाग अर्थात आगे की तरफ भी जो है रख सकते हैं। एक और हमने प्रमाण दिया था कि आगे भी आप रख सकते हैं, उस वीडियो में जाकर आप पुनः देख सकते हैं। अगला प्रश्न है नविता शर्मा जी का, इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, आप लोग ध्यान से सुने। प्रणाम गुरु जी, क्या नवरात्रि में घी अथवा तेल का दीपक लगाना चाहिए? आप अपने सामर्थ्य अनुसार लगा सकते हैं, घी का लगाएं तो गाय का घी होना चाहिए, तेल का लगाएं तो तिल का तेल होना चाहिए। जब हम माता रानी की ज्योति पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखते हैं तब दीपक का मुँह पश्चिम की तरफ हो जाता है, तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, गुरु जी मार्गदर्शन दें। साधारण सी बात है, हमने पहले भी आपको यह बताया है कि दीपक के जो बत्ती की दिशा है, अर्थात जो दीपक की लौ होती है, वह पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर आप नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो दीपक की लौ जो है उत्तर दिशा की ओर रख देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप खड़ी बत्ती का प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ अगर आप पूर्व दिशा की ओर रख रहे हैं, माँ भगवती का स्वरूप
पश्चिम दिशा की ओर है तो बत्ती पूर्व दिशा की ओर हो गई, माँ भगवती की ओर हो गई, यह तो और उत्तम बात है। इसमें समस्या क्या है? एक मित्र ने तो यह भी कमेंट किया है कि दीपक का जो लव है यह माँ भगवती की ओर नहीं होना चाहिए, यजमान की तरफ होना चाहिए, साधक की तरफ होना चाहिए। तो दीपक जो है वह जलाया किसके लिए जा रहा है? माँ भगवती के लिए जलाया जा रहा है कि साधक के लिए जलाया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है। और पहले भी हमने यह प्रमाण दे दिया है कि पूर्व और उत्तर दिशा ही निर्धारित है, चाहे वह माँ भगवती के सम्मुख में आवे, माँ भगवती के किसी और दिशा में आवे, आपको पूर्व और उत्तर दिशा में ही जो है बत्ती रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है विशाल गोस्वामी जी का, पूछ रहे हैं, गुरु जी कच्चा सूत्र की बत्ती बना सकते हैं क्या घी के दीपक के लिए? जी अवश्य बना सकते हैं, कोई इसमें निषेधात्मक वाक्य नहीं प्राप्त होता है कि कच्चा सूत्र का नहीं बनाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि बत्ती जो है आपका जो कच्चा सूत्र है एकदम बढ़िया सूती होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, टेरिकॉट पॉलिस्टर नहीं होना चाहिए, और उसका रंग जो है वह सफ़ेद होना चाहिए, लाल पीला नहीं होना चाहिए। मौली धागा का भी जो आप प्रयोग करते हैं वह लाल पीला हरा धागा होता है, तो इसलिए मौली धागा की आप बत्ती ना बनाएं। अगर मौली धागा मात्र लाल रंग का है तो ही आप बत्ती बनाएं, और उस बत्ती को केवल जो है तेल में ही प्रयोग करें, घी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है विनोद सोनार जी का, यह पूछ रहे हैं कि नवरात्रि में कौन कौन से वेदी मंडल बनाते हैं? नवरात्रि में जो है कई प्रकार के मंडल बनाए जाते हैं। अगर आप विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं तब आपको जो है षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, 64 योगिनी, माँ भगवती का जो है गौरी तिलक मंडप तथा नवग्रह मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, अगर आप अपने ही घर में करवा रहे हैं तो ग्रह वास्तु का मंडल, मंदिर में करवा रहे हैं तो मंडप वास्तु का मंडल, इस प्रकार से जो है आपको मंडल बनवाना चाहिए, इनका पूजन विधि विधान से करवाना चाहिए। परंतु आप स्वयं ही पाठ कर रहे हैं, स्वयं ही स्थापना पूजा कर रहे हैं, अथवा पंडित जी से साधारण स्वरूप में करवा रहे हैं, तब भी आपको नवग्रह और कुल मातृका अर्थात षोडश मातृका का पूजन करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है अंजलि ठाकुर जी का, यह प्रश्न बड़ा ही सुंदर और रोचक है, तो माताएं और बहनें इस प्रश्न की ओर अवश्य ध्यान देवे। पूछ रही हैं कि माँ को श्रृंगार चढ़ाकर उस श्रृंगार को स्वयं यूज करना चाहिए, स्वयं उपयोग कर सकते हैं, या फिर उसको दान करना चाहिए? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। तो सबसे पहले जो भी सुहाग का सामान, जो भी श्रृंगार पेटी आप माँ भगवती को समर्पित करती हैं तो उसमें से कुछ सामग्री आपको रखना चाहिए। कैसी सामग्री? जैसे सिंदूर है, वह सिंदूर आप रख लीजिए और अपने सिंदूर की डिबिया में जो है उस सिंदूर को डाल लीजिए और प्रतिदिन उस सिंदूर को प्रसाद के रूप में आप लगाते रहिए। इसके बाद चूड़ी है, चूड़ी भी अगर आपने ढेर सारी चूड़ी चढ़ाई है, 8-10 चूड़ी चढ़ाई है, तो एक दो चूड़ी आप उसमें से निकाल लीजिए और वह भी आप धारण कर लीजिए प्रसाद के स्वरूप में। बिंदी, जो बिंदी है वह भी आप धारण कर लीजिए। इसके बाद जो भी सामग्री है वह ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं उनको दान करनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं तब जो है सौभाग्यवती महिलाएं जो होती हैं आपके आस पड़ोस में, आपकी मित्र मंडली में, आप उनको वह सौभाग्य की सामग्री, वह सुहाग की सामग्री, श्रृंगार पेटी की जो सामग्री है उसे आप दान कर सकती हैं। अगला प्रश्न है शिवांश रॉय जी का, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, इस विषय पर हमने पहले भी बोल दिया है फिर भी अभी बता रहे हैं आपको। नमस्ते पंडित जी, हमारे घर का मंदिर पूर्व दिशा में ही है, मतलब हम लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। बहुत सुंदर, आपका मुख पूर्व दिशा में हो गया और देवताओं का मुख पश्चिम में, बहुत अच्छा होता है यह। तो नवरात्रि में जो अखंड दीपक जलाया जाएगा उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रखा गया तो ठीक रहेगा क्या? सब लोग कहते हैं कि दीपक का लौ भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, पर पूर्व दिशा की ओर तो भगवान जी ही हैं, प्लीज हेल्प मी गुरुजी। हमने इस विषय में आपको पहले भी बता दिया है कि भगवान पश्चिम मुखी ही होते हैं, तो आप पूर्व मुखी दीपक जलाएंगे तो वह दीपक किसके लिए जला रहे हैं? माँ भगवती के लिए, भगवान के लिए, देवताओं के लिए जला रहे हैं। तो जिनके लिए जला रहे हैं तो शास्त्र ने जो विधान बताया है दीपक उनकी तरफ पहले से ही जा रहा है। तो इस विषय में आप लोगों का मत सुनिए, क्यों? क्योंकि एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है
कहना। तो इस विषय की ओर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, इस विषय को नकार दीजिए, आप शास्त्र की बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने इस विषय में पहले ही वीडियो बना दिया है कि दीपक की जो बत्ती है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगला प्रश्न है सूरज सिंह जी का, बड़ा ही रोचक प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पूछ रहे हैं, क्या बिना कलश स्थापना के कुमारी खिला सकते हैं अर्थात कन्या खिला सकते हैं, अखंड दीप जला सकते हैं क्या, और उपवास में रात को अनाज ले सकते हैं क्या? सबसे पहला आपने पूछा है कि बिना कलश स्थापना के कन्या भोज करा सकते हैं क्या। जी बिल्कुल करा सकते हैं, कन्या भोज आप कभी भी करा सकते हैं, पूरी नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी कन्या भोज करा सकते हैं। देवी भागवत में इस विषय पर ठोस प्रमाण हमारे पास प्रस्तुत है कि जो है नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन पर्यंत जो है कन्या भोज कराना चाहिए। एक एक वर्ष की उम्र, मतलब पहले दिन जो है 2 वर्ष की होनी चाहिए, दूसरे दिन जो है 3 वर्ष की होनी चाहिए, इस प्रकार का क्रम आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी करते हैं तो बिना उपवास के, बिना कलश पूजन के, बिना व्रत रखे, बिना अखंड दीप जलाए भी आप जो है माँ भगवती की कन्या के स्वरूप में सेवा पूजा कर सकते हैं। उसके बाद है कि उपवास में रात को अनाज ले सकते हैं क्या। अनाज का परित्याग ही किया जाता है, अनाज के त्याग को ही हम व्रत कहते हैं। तो व्रत में आप अनाज बिल्कुल ही मत लीजिए, अनाज व्रत में ग्राह्य नहीं होता है। जिन व्रतों में अनाज ग्राह्य है वह अलग व्रत माने जाते हैं, उस विषय पर हम आगे चलकर एक बड़ा सा वीडियो आपको देंगे ताकि उसमें संपूर्ण जानकारी रहे और आपके मन के भावों को, आपके मन के संशय का, प्रश्न का समाधान हो सके। अगला प्रश्न है वंदना अरोरा जी का, पूछ रही हैं, पंडित जी प्रणाम, प्लीज़ बताइए कि जो कलश स्थापना का नारियल होता है उसे अष्टमी के दिन खोल सकते हैं क्या। जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए अष्टमी के दिन, जिस दिन जो है विसर्जन होता है कलश से नारियल उसी दिन बाहर निकाला जाता है। अष्टमी के दिन तो माँ भगवती की स्थापना होती है, उस दिन तो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, विशेष पूजन का आयोजन करना चाहिए, उस दिन आप जो है कलश का नारियल बिल्कुल नहीं तोड़ सकती हैं। आगे पूछ रही हैं कि क्या कन्या को और खुद को भी खिला सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसको तोड़िए ही मत, पंडित जी को दान करना चाहिए। अगर आपके घर में पंडित जी नहीं आते हैं तो मंदिर में जाकर के पंडित जी को दान कीजिए। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रही हैं तब आप जो है तोड़ करके कन्याओं को खिलाइए, और कब, जब आप कलश का विसर्जन कर चुकी हैं तब। उसके पहले आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप स्वयं भी ग्रहण कर सकती हैं, परंतु सबसे पहले आपको पंडित जी को देना चाहिए, मंदिर में देना चाहिए, बाद में कन्याओं को खिलाना चाहिए। अगर वह ना मिले तो आपको स्वयं उपयोग करना चाहिए, परंतु सब्जी भाजी चटनी में उस नारियल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे धर्मेंद्र तिवारी जी का जो है एक सुझाव प्राप्त हुआ है, यह कह रहे हैं कि दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। जी हाँ, माँ भगवती पराम्बा जगत जननी को दुर्वा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से भगवान गणपति को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, वर्ष में एक बार ही चढ़ाई जाती है उनके लिए, तो परंतु माँ भगवती को दुर्वा जो है वह कभी नहीं चढ़ाई जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुर्वा क्यों नहीं चढ़ाई जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं, हम इस विषय पर एक अलग से वीडियो आपको प्रस्तुत कर देंगे। अगला प्रश्न है स्वाति जी का, पूछ रही हैं कि गुरुजी बिना घट स्थापना के दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं क्या। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, माँ भगवती का आप मन में ध्यान करें और सामने माँ भगवती का स्वरूप विराजमान करें, फोटो इत्यादि अगर वह भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, एक छोटा सा घी का दीपक जला लेवे अथवा तिल के तेल का दीपक जला लेवे, और फिर जो है आप दुर्गा सप्तशती का विधि विधान शुद्ध उच्चारण के स्वरूप में आप पाठ अवश्य कर सकते हैं। अगला जो है एक सुझाव है सुषमा देसाई जी का, यह कह रही हैं कि नेल पॉलिश कभी देवी के लिए मत रखें क्योंकि जानवर को तकलीफ देकर के बनाई जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर यह बात सत्य है तो हम भी नहीं चढ़ाएंगे, और हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि अगर इस प्रकार से वह नेल पॉलिश बनाई जाती है तो माँ भगवती को मत चढ़ाइए और आप स्वयं में भी उपयोग उसका मत कीजिए। अगला प्रश्न है
चैनल का इनके नाम है बी एडिटिंग सीरीज, कुछ नाम और होगा इनका। तो इनका प्रश्न यह है कि मेरे पाँव में काफ़ी चोट है, सो मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकता हूँ, तो क्या मैं कुर्सी पर बैठकर पूजन कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपकी जो कुर्सी है, माँ भगवती का आसन उस कुर्सी से ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी में भी आपको एक आसन लेना चाहिए, तथा आप जब पैर झुलाकर बैठते हैं, अर्थात पैर नीचे करके बैठते हैं, तो आपके पैरों के नीचे भी जो है आसन होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के संबंध में आपके जो कई प्रश्न रहे होंगे, संशय रहे होंगे, वह कई प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई शंका है, संशय है, अथवा कोई प्रश्न है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, हम उस प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें, तथा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।